अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक चिकन की ऑथेंटिक रेसिपी जिसका नाम है चिकन चना जोर गरम। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उतनी ही यमी और उतनी ही टेस्टी है। जिसके लिए लिया है मैंने ये 500 ग्राम्स चिकन विद बोन्स। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसे धोकर रख लिया है। और ये मैंने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज, 1 इंच की अदरक जिन्हें मैंने जूलियन कट, ये 3 लाल मिर्चें हैं, ये 4 हरी मिर्चें, 10 से 12 हमारे लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने छील लिया है। और ये लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 बे लीव्स लिए हैं, इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 हमारी काली मिर्चें हैं, 5 से 6 हमारी लौंग। ये मैंने कुछ और स्टार इंग्रेडिएंट्स में लिया है, ये मैंने लिया 2 टेबलस्पून चना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये हमारा स्टार इंग्रेडिएंट्स है। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून मगज़, ये मैंने तरबूज के बीज लिए हैं, अगर आपके पास खरबूजे के बीज है तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून खसखस, ये मैंने लिए हैं 5 से 6 बादाम जिनको मैं बीच में से स्लिट करके डालूंगी, और इतना बड़ा टुकड़ा हमारा नारियल का। ये मैंने लिया है 1 बाउल भर के मखाने, और ये हमारी 100 ग्राम दही। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उतनी ही यम्मी और उतनी टेस्टी है और उतनी ही ईजी रेसिपी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए आप, हम सबसे पहले ये चने मगज और खसखस इसका बारीक पेस्ट बना लेना है हमें मिक्सी के जार में डालकर। ये देखिए मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल भी इसमें हल्का सा भी मोटापन नहीं है, बिल्कुल बारीक पेस्ट, फ्लॉलेस एकदम कर दिया है इसको। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई और मैं इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम कुकिंग ऑयल, आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं। और अब हम इसको गर्म होने देंगे, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी सारे गर्म मसाले जो मैंने आपको मेंशन कर रखे थे, बस हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, बाकी सभी चीज़ों को हम डालकर इसमें अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जितना अच्छा हमारा क्रैकल होगा उतने अच्छे से हमारे टेस्ट बढ़ेगा। अब मैंने डाल दिया इसमें वो वाला पेस्ट जो मैंने अभी बताया था आपको, चना मगज और खसखस, इस मसाले इस पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दानेदार कर लेंगे इसको भून कर, बस ये लगना नहीं चाहिए। मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा सही रहेगा, अगर आप नॉर्मल में बना रहे हो तो ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने चना डाला है उसमें ये मसाला लग सकता है। अब ये अच्छे से भून गया, मैं डाल दी हूँ उसमें चिकन, ये हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज होते ही मैं फ़ौरन डाल रही हूँ इसमें हमारी स्लाइस्ड हुई हुई प्याज, लहसुन के जवे और हमारी जूलियन कट अदरक, इन सभी को डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। बस हमारी जो ये प्याज है थोड़ी सी ऐसी हो जाए, थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट सी हो जाए इसमें चिकन में मिलकर। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रांसल्यूसेंट होने लगी है ये। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इस स्टेज पर नमक ताकि ये दो सभी चीज़ें अच्छे से टेंडर हो जाएं, और ये डाल रही हूँ 1 बाउल पानी। और 1 बाउल पानी डालने के बाद मैं लगा रही हूँ लिड, लिड लगाने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा एकदम ऑयल सेपरेट होता जा रहा है। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च जिसके मैंने ऊपर से डंठल तोड़ दिए थे, इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इन सभी चीज़ों का इसमें जो टेस्ट है वो एकदम आ जाए। अब मैं इसको फिर से ढक रही हूँ 2 मिनट के लिए ताकि ये अपना ऑयल थोड़ा सा सेपरेट कर दे। आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी हमारी दही, और दही को डालकर भी हमें फिर से अच्छे से भून लेना है इसको तब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टेम्पटिंग हमारा देखने में लग रहा है, ये खाने में जितना टेस्टी उतना ही यमी। और आप, मैं इसकी लिड फिर से लगा रही हूँ, ये लास्ट टाइम इसको हम ढककर रख रहे हैं इसमें बस ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होने के लिए। फिर उसको खोल कर देख रही हूँ,
अब देखिए आप, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे वो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको मेंशन कर रखे थे। बादाम, बादाम को मैंने बीच में से सिलेक्ट कर लिया है, ये गोला है, मैंने इसको बारीक बारीक थोड़ा सा काट लिया लंबे लंबे स्लाइसेस में। और ये है मगज़, मैं सारे मगज़ इसी में डाल दूँगी और इन्हें फिर से 2 मिनट के लिए बस पकने देंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से घुल मिल जाएँ, मर्ज हो जाएँ और सारा टेस्ट इनमें अब्सॉर्ब हो जाए सभी चीज़ों का। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। आप देख सकते हैं कितना ऑथेंटिक लग रहा है, माशाल्लाह। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। मैं इसको सर्व कर रही हूं। आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्व कर दिया है, ये कितना टेस्टी, कितना यमी, कितना डिलीशियस हमारा ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से अपने किचन में ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शब खैर, इन्जॉय विद योर फैमिली।